हेलो क्लास 11 फिजिक्स। हमने एक विमी गति को यहाँ पर पढ़ा हुआ था। अब मैं यहाँ पर दो विमी गति को पढ़ रहा हूँ। द्वि विमी गति। इस गति को समझने के लिए आप ध्यान रखिए, अभी हमने जब एक विमी गति किया था तो वस्तु या तो सरल रेखा में चलती थी या ऊपर वाय अक्ष में चलती थी, जैसे ट्रेन की गति, या एक पत्थर को ऊपर मैंने फेंका और पत्थर नीचे आया, वो वाली गति एक विमी गति कहलाती थी। द्विविमी गति को हम ऐसा भी बोल देते हैं, समतल में गति। जब समतल में गति की स्टडी करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एट द सेम टाइम एक्स और वाई एक्सिस दोनों आता है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। जैसे मैं इस बोर्ड में लिख रहा हूँ तो ये बोर्ड मेरे पास एक समतल है या प्लेन है, ठीक। तो इसमें एट अ टाइम मैं x और y कोऑर्डिनेट दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको तो बताना चाहूँ तो जैसे आपके पास क्या हो गया, ठीक, एक बॉल की मैदान में गति, मैदान में गति, ठीक है, क्लियर। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, ये भी आपके पास हो गया। शिपकली जहाँ पर चलती रहती है वह भी क्या कहलाती है, एक प्रकार की द्विविमी गति कहलाती है। तो द्विविमी गति में x एवं y अक्ष के संगत स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी इस अक्ष से स्थिति कितनी है, P है, तो आप क्या करते हो, यहां पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये x एक्सिस हो गया, ये आपके पास कैसा हो गया, y कोऑर्डिनेट को शो करता है, ठीक। तो अब इसकी जो स्थिति हो गई P, x और y से शो होने लगती है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप एट द सेम टाइम अपनी x और y अक्ष की स्थिति के सापेक्ष स्थिति निकालते हो तो ये गति क्या कहलाती है, समतल की गति कहलाने लगती है, ठीक है। अब अगर अपन वेक्टर में जाएं तो आपको मालूम है कि अगर इस P की यहां से पोजीशन वेक्टर r है और इस एक्सिस के अलोंग यूनिट या इकाई सदिश आई होता है, इसके अकॉर्डिंग जे होता है, तो ये कैसा हो गया एक्स आई और ये कैसा हो जाएगा वाई जे। इसलिए हम वेक्टर आर को ऐसा लिख देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिख देते हैं। ये मैं आपको सदिश के फॉर्म में पूरा समझा चुका हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को हम बार बार x और y में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और x और y में हम यहां पर, तो देखिए आपने गति के समीकरण को किया था, नंबर एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये मेरे पास आ रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों को एक्स वाई समतल में इनको लिख देता हूँ। तो x ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट या घटक, ये हो जाएगा y कंपोनेंट या घटक आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एट द सेम टाइम इन इक्वेशन को दो विमी अक्ष में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर एक्स अक्ष के अंतर्गत वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है तो हम ऐसा लिख देते हैं, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी,
और अगर y अक्ष के अंतर चेंज हो रहा है तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इस गति के समीकरणों को भी x और y अक्ष के अलोंग क्या कर दिया है, डिवाइड कर लिया है। दूसरा आप देखिए sx यानी x अक्ष के सापेक्ष आपकी स्थिति, तो sx इक्वल टू x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। सेकेंड मेरे पास क्या हो जाएगा, sy इक्वल टू y uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। वैसे थर्ड इक्वेशन को भी मैं x और y अक्ष के सापेक्ष डिवाइड कर लेता हूँ, तो v कितना जाएगा, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax sx, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay sy। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, इस x और y कोऑर्डिनेट को आप अलग अलग डिवाइड करके नोट करिएगा। तो देखिए, दू विमी गति, इसके आपके सिलेबस में दो एग्जाम्पल है। नंबर एक है प्रक्षेप गति और दूसरा है आपके पास वृत्ति गति। मैं यहाँ पर प्रक्षेप गति को आपको समझा रहा हूँ, इसके दो डेरिवेशन है, उन बड़े हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में हो तो देखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रक्षेप्य गति, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य कोण से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जावे कि वस्तु केवल गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए गिरे एवं x दिशा में वेग अचर एवं त्वरण शून्य हो तो वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है तथा वस्तु का पथ पर वलयाकार होता है। इसके एग्जाम्पल देखो, नंबर वन, तोप से दागे गोले की गति, दूसरा तीर, ठीक है, की गति, जबकि
उसे कमान से छोड़ा गया है। आपने क्या किया है, नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा या छोटे में देखा होगा, आप एक पत्थर को ऐसा फेंकते हैं ऐसा करके। जब आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर क्या होता है, ऐसा ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। तो जहाँ पर ये पत्थर गति करता है वहाँ पर मैं एक्स वाई समतल की कल्पना कर लेता हूँ, और जो एक्स वाई समतल की कल्पना करता हूँ तो उस समतल में इसकी गति हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। जैसे आप तीर कमान चलाते हैं तो कमान से निकला हुआ तीर ऐसा जाता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल देते हैं, प्रक्षेप गति बोल देते हैं। और इसका ये जो पथ आता है इसको हम परवलयाकार बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसका अपन आगे डेरिवेशन पूरा का पूरा देखेंगे।